Hi, namaste and welcome to my YouTube channel. This is me, Shagun. Now, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं मैं बता दूं कि मैं ना यहाँ पे बहुत ही ईजी और क्विक स्नैक आइडियाज शेयर करती रहती हूँ, तो आपको फूड से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है. सो इफ़ यू आर अ फूड लवर देन यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एनी वेज, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जो टेस्टी तो है ही ऑफकोर्स, बट साथ ही साथ थोड़ी सी हेल्दी भी है. ठीक है, सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो. तो आज की पहली रेसिपी है मसाला पॉपकॉर्न. यूजुअली मुझे तो पॉपकॉर्न उतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मूवी देखने की बात होती है ना तो सबसे पहली याद आती है पॉपकॉर्न की. क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड एनीवेज, इसकी रेसिपी देखते हैं. तो मसाला पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पैकेट पॉपकॉर्न का. आप कोई भी ले सकते हो. मैंने यहाँ पर ये ऑलिव ऑयल वाला लिया है. ये मुझे कुछ 33 रुपीज़ का मिला था एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 41 कैलोरीज है, ऐसा इस पर लिखा हुआ था. तो मैं जब भी पॉपकॉर्न बनाती हूँ मैं इसे कुकर में कभी भी नहीं बनाती, मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ. तो मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें ये सारा कंटेंट निकाल कर ऐसे ढक कर छोड़ दिया है एंड मीडियम फ्लेम पर ये 5 से 7 मिनट में ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे सारे पॉपकॉर्न बनकर. जब सारे पॉपकॉर्न आपके रेडी हो जाए तब बारी आती है इसमें मसाले डालने की. तो मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं है. मैं इसमें डालती हूँ मैगी मसाला क्योंकि मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है. और ट्रस्ट मी, अगर आपको मैगी मसाला पसंद है ना तो एक बार इसे पॉपकॉर्न के साथ ट्राई करना, यू विल लव दिस. पॉपकॉर्न जब आपके गरम होना तभी ये मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना, नहीं तो अगर ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है. ठीक है, फिर ना इसमें मैंने थिएटर वाला फील लाने के लिए एक वाइट पेपर लिया है और उसका इस टाइप से कोन बनाकर उसमें ट्रांसफ़र करके और बस अब इसे मूवी देखते देखते आराम से इंजॉय करो. My version of making masala popcorn at home. I hope आप सबको पसंद आया हो. Now अब दूसरी रेसिपी की बात करते हैं. तो हम बनाने वाले हैं चिकपी सैंडविच. Now चिकपी इज वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कीप्स यू फिल फॉर अ लॉन्गर टाइम. एंड सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात, ये ना आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है. तो अगर आपको सैंडविच पसंद है ना तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज. एंड क्या इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं. तो चिकपी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले ऑफकोर्स हमें चाहिए होंगे चिकपी. मैंने ना इसे एक रात पहले ही भिगो कर रख दिया था और इसे बॉईल करके रख लिया है. तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसमें डालना है थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल, देन इसमें थोड़ा सा गार्लिक डालना है. अगर आपको गार्लिक नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो. ठीक है, देन थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च एंड इन सबको 2 मिनट तक सॉटे करना है. ज़्यादा सॉटे मत करना क्योंकि हमें ना इसका क्रंची क्रंची फ्लेवर चाहिए. उसके बाद इसमें अपने बॉइल्ड चिकपीस डाल देने हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट तक सॉटे करो एंड इसे निकाल लो. अब ना हमें एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेना है क्योंकि अगर आप मैश नहीं करोगे तो अच्छे से सैंडविच नहीं बन पाएगा. ठीक है, अगर धनिया है तो वो भी डाल दो. मैंने थोड़ा सा धनिया डाला एंड मैश करके अच्छे से मिक्स कर लिया है. देन मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 व्हाइट ब्रेड. आई नो व्हाइट ब्रेड हेल्दी नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो आप ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर लो. मुझे ब्राउन ब्रेड नहीं मिला इसलिए मैंने इस पर बनाया. ठीक है, तो ना मैंने एक ब्रेड पे लगाई है ग्रीन वाली चटनी एंड एक ब्रेड पे टमेटो सॉस. उसके बाद अपना फिलिंग डालकर इसका सैंडविच बनाकर इसे तवे पे बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और इसे दोनों साइड से अच्छे से पका लिया और बस फिर इसे कट करो और अपनी फेवरेट सॉस के साथ इंजॉय करो. एंड आप लोग देख सकते हो ये देखने में ही कितना यमी लग रहा है, खाने में तो और भी ज़्यादा यमी था.
अगर आप डाइट पे हो ना, आपको सैंडविच खाने का मन कर रहा है, तो आप ये बनाकर खा सकते हो। बस वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड यूज़ करना एंड गो फॉर इट। सो गाइस, ये थी आज की रेसिपी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर करो उनके साथ जो डाइट पर हैं। एंड अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।